उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा प्रतिष्ठान में वर्ष 2021-22 की परीक्षा के नवनियुक्त उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर संवाद किया। इस अवसर पर लखनऊ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े और अभ्यर्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए सभी को बधाई। पीएम का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, आप लोग सौभाग्यशाली है। वहीं सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि 6 वर्ष के दौरान सरकार ने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, 1,60,000 पुलिस बल में नियुक्ति की है। सीएम ने कहा कि पीएससी की 54 से अधिक कंपनी समाप्त हो गई थी, अग्निशमन विभाग के पास उपकरण नहीं थे, आज अत्याधुनिक उपकरण आग बुझाने के लिए मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी आप सबको प्राप्त होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होते समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वचन आप सबको प्राप्त होगा। मिशन रोजगार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के कारण द्रुत गति से आगे बढ़ पाया है और मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में लगभग 5.5 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने, उन्हें नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने में सफल रही। उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने कैरियर की शुरुआत आप सब लोग कर रहे हैं, आप सभी को इस यात्रा के लिए मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जब आपने ये परीक्षा दी तब आपने अपनी आंखों में निश्चित रूप से सपने देखे होंगे, आपने इसके लिए मेहनत की और ये उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है कि आज आप इस सभागार में हैं बगैर किसी को रिश्वत दिए, बगैर किसी सिफारिश के। आप अपनी मेहनत एवं मेरिट के आधार पर यहां आए।